हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टिक्की ऐप के लिए सारी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। गाइस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सामने सारी वीडियो आ चुकी है। तो गाइस, आप इस वीडियो में लाइक भी देख सकते हैं, यहाँ पर 6000 के ऊपर इस वीडियो में लाइक हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी फ़ोटो से या किसी वॉलपेपर से इस तरह से सारी लिखकर सैड सारी स्टेटस वीडियो बनाकर टिक्की ऐप में अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी यहां पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती हैं और आपकी आपकी वीडियो में भी बहुत सारे यहां पर लाइक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह से सारी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है कान मास्टर। तो आपको कान मास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। कान मास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको वीडियो को बनाने के लिए एक प्लस ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नार एसो 60 वाली साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी वॉलपेपर गाइस आप कान मास्टर ऐप में ऐड करेंगे, आपके वॉलपेपर ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में लग जाएंगे। तो आपको फिल स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसमें एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से गाइस, हम वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी लेयर को खींच कर थोड़ा सा लंबा कर देना है इस तरह से। अब आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के ऑप्शन के बगल में एक बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो कुछ इस तरह से लग जाएगी। अब यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस इफेक्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस, आपको पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी इफेक्ट वीडियो लग चुकी है। अब गाइस, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको इस बॉर्डर लाइन की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस, आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। अब आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींच कर वीडियो को लेयर के बड़ा कर देना है इस तरह से। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। मोहब्बत तो इतनी थी कि उनकी खुशी की। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस, आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट करना है, जिस भी क्वालिटी में आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो गाइस, आप इसी तरह से टिक्की ऐप के लिए सैड सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।